जी चाहे वो लिखे। ओहो हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। नमस्ते, मेरा नाम है पूजा गोलचा और मैं ब्रिटिश टेलीकॉम में काम करती हूँ। आज का विषय है एक कंपनी में आम तौर पर कौन कौन से विभाग होते हैं और उनमें क्या काम किया जाता है। ये शिक्षा आपके किस काम आ सकती है। अगर अपनी पढ़ाई के उपरांत आप अपनी खुद की एक कंपनी खोलना चाहते हैं या किसी और कंपनी में काम करना चाहते हैं तो ये शिक्षा आपके काम आ सकती है। वैसे तो हर कंपनी में उसकी प्रकृति अनुसार कई विभाग हो सकते हैं। आज हम उन मुख्य विभागों की बात करेंगे जो अधिकतर हर कंपनी में होते हैं। पहला मुख्य विभाग है सेल्स, यानी कि विक्रय विभाग। विक्रय विभाग का मुख्य उद्देश्य होता है कंपनी के उत्पाद और सेवाओं को बेचना। बेचने के लिए कर्मचारी ग्राहकों से मिल सकते हैं या उनसे फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। पर्याप्त अनुभव होने के बाद एक सेल्स कर्मचारी वशिष्ठ पद पर भी पहुँच सकता है, जहां उसकी जिम्मेदारी होती है कार्यनीति बनाना और अन्य सेल्स कर्मचारियों को दिशा निर्देश देना। अगला मुख्य विभाग है मार्केटिंग, यानी कि विपणन विभाग। कुछ लोग सोचते होंगे सेल्स मार्केटिंग से अलग कैसे है। जहां सेल्स विभाग का मुख्य उद्देश्य होता है कंपनी के उत्पाद और सेवाओं को बेचना, वहीं मार्केटिंग के कर्मचारियों की मुख्य जिम्मेदारी होती है कंपनी के उत्पादों की ग्राहकों में जागरूकता पैदा करना। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मार्केटिंग कर्मचारी टीवी, अखबार, रेडियो में विज्ञापन दे सकते हैं। इसके अलावा वो आकर्षक पैकेजिंग और लाभप्रद ऑफर्स का भी आविष्कार करते हैं। तीसरा मुख्य विभाग है अकाउंट्स, टैक्स और फाइनेंस विभाग, यानी कि खाता, कर और वित्त विभाग। खाता विभाग के कर्मचारी कंपनी की आय और खर्चों का हिसाब रखते हैं, ताकि ये पता चल सके कि कंपनी हानि में है या लाभ में। कर विभाग के कर्मचारी कंपनी के कर अनुपालन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि आयकर, जीएसटी इत्यादि। और वित्त विभाग कंपनी में पैसों के स्रोत और निवेश से जुड़ी नीतियां बनाता है। चौथा मुख्य विभाग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, यानी कि तकनीकी विभाग। इस विभाग के कर्मचारी कंपनी में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सेवाएं आदि लगाते हैं और उनके रखरखाव का भी ध्यान रखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मानव संसाधन विभाग। इस विभाग के कर्मचारियों की कई जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे पहला, उचित प्रतिभा के लोगों को ढूंढना और कंपनी में भर्ती करना। दूसरा, कंपनी के कर्मचारियों के विकास के लिए क्रियाएं करना, जैसे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की व्यवस्था। और तीसरा, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन से जुड़े फैसले लेना। इन पांच मुख्य विभागों के अलावा कंपनी में अन्य कई विभाग भी हो सकते हैं। तो चलिए पांच मुख्य विभागों को एक बार फिर से संक्षेप में समझ लेते हैं। सेल्स, यानी कि विक्रय विभाग, कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की बिक्री करने के लिए जिम्मेदार। मार्केटिंग, यानी कि विपणन विभाग, कंपनी के उत्पादों की जागरूकता पैदा करने के लिए जिम्मेदार। अकाउंट्स, टैक्स और फाइनेंस, यानी कि खाता, कर और वित्त विभाग, कंपनी के खाते और कर अनुपालन के लिए जिम्मेदार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीकी विभाग, कंपनी में मशीनों इत्यादि को लगाना और उनके रख रखाव के लिए जिम्मेदार। ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मानव संसाधन विभाग, कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और विकास से जुड़ी जिम्मेदारियां। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज की क्लास में मिली जानकारी आपको भविष्य में अपने लिए एक सही व्यवसाय चुनने में मदद करेगी। अपना ख्याल रखिए और रोज नए विषय सीखते रहिए। धन्यवाद।